भारत के सबसे बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी को नया चैंपियन मिल गया है। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीत लिया है। पिछले कुछ सालों में देश में एक के बाद एक नई शक्तिशाली टीमें उभर कर सामने आ रही हैं। एमपी की खिताबी जीत भी इस फैक्ट की तस्दीक करती है। 2014-15 से अब तक 8 सीजन में 6 अलग अलग टीमों ने खिताब जीते हैं। सख्ती ऐसी सेमीफाइनल के बाद प्लेयर्स के घर वालों तक के फोन बंद करा दिए थे। मैच के आखिरी दिन मुंबई की दूसरी पारी 269 रन के स्कोर पर सिमट गई। इस तरह एमपी को जीत के लिए 108 रन का टारगेट मिला, जिसे उसने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहली पारी में मुंबई ने 374 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश ने 536 रन बनाते हुए 162 रन की बढ़त हासिल की थी। 2 करोड़ के इनाम की घोषणा की एमपीसीए इस जीत पर एमपीसीए टीम को 2 करोड़ रुपए का इनाम देगा। एमपीसीए के सचिव ने बताया कि विजेता टीम को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एक नज़र में विक्ट्री मोमेंट, सबसे पहले दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच चंद्रकांत पंडित भावुक हो गए। पहली पारी में बढ़त बनाई फिर जीत भी हासिल की। एमपी ने मुंबई की पहली पारी के 374 रन के स्कोर के जवाब में 536 रन बनाकर अपना एक हाथ ट्रॉफी पर पहले ही रख दिया था। नियमों के मुताबिक अगर फाइनल ड्रॉ होता है तो पहली पारी में बढ़त हासिल करने वाली टीम विजेता बनती है। हालांकि एमपी ने इतने से संतोष नहीं किया और आखिरी दिन 6 विकेट से जीत हासिल कर खुद को इस ट्रॉफी का सच्चा हकदार साबित किया। 3 बल्लेबाजों के शतक, गेंदबाजों ने भी किया कमाल। फाइनल में एमपी की ओर से 3 बल्लेबाजों यश दुबे 133 रन, शुभम शर्मा 116 रन और रजत पाटीदार 122 रन ने शतक जमाए। एमपी के गेंदबाजों ने अपना योगदान बखूबी दिया। गौरव यादव ने मैच में 6 विकेट लिए। कुमार कार्तिकेय के साथ 5 सफलता लगी। बाकी गेंदबाजों ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। एमपी के बड़े स्कोर में 3 शतकवीरों का रहा योगदान। मुंबई की पहली पारी के 374 रन के जवाब में मध्य प्रदेश ने 536 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। यश दुबे और शुभम शर्मा और रजत पाटीदार ने शतकीय पारियां खेली। दूसरे विकेट के लिए शुभम शर्मा और यश दुबे ने 222 रन की साझेदारी कर मध्य प्रदेश को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। शुभम शर्मा 116 रन बनाकर आउट हुए। यश दुबे ने 133 और रजत पाटीदार ने 122 रन की पारी खेली। मुंबई के लिए तुषार देशपांडे ने 3 विकेट और सम्स मुलानी ने 5 विकेट लिए थे, जबकि मोहित अवस्थी को 2 विकेट मिले।